हमीरपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर हमला बोला है। अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार के पहले साल को नाच गाने व नाटियां डालकर ही निकाल दिया और कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो जनहित का हो। टूरिज्म क्षेत्र में भी प्रदेश अब दूसरे स्थान से खिसक कर 20वें स्थान पर लुढ़क गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केवल हेलीकॉप्टर से प्रदेश का भ्रमण किया है, तो वहीं धर्मशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भी हिमाचल को कोई राहत नहीं मिली है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के समय में टूरिज्म देश में निचले स्तर पर चला गया है और निजी चैनल के सर्वे में हिमाचल 20वें नंबर पर पहुंच गया है, जिससे प्रदेश की साख पर बट्टा लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्यगुजारी इससे पता चलती है कि सीएम को एक साल में ही मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की बात कहना पड़ रही है। उन्होंने कहा कि 9000 करोड़ के नेशनल हाईवे की बात की जा रही है, लेकिन ये पैसा कहाँ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हवा में तीर चलाने में लगी है। अपना पहला साल जो है जश्न मनाने में नाच गाने में निकाल दिया नाटियां डाल के, और आप बताएं कि सरकार का ग्राउंड पे सरकार कहाँ थी, और कोई भी ऐसा काम प्रदेश सरकार नहीं कर पाई है जिससे कहें कि सरकार ने कोई शुरुआत कर दी हो। सबसे मुख्यमंत्री ने प्रदेश भ्रमण किया है हेलीकॉप्टर में, और ऊपर से जो है देखा है हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल की वादियां देखी हैं, हिमाचल के पहाड़ देखे हैं, हिमाचल के बर्फीले पहाड़ देखे हैं, पर्वत श्रृंखलाएं देखी हैं, ऊपर से देखी हैं, लेकिन नीचे ग्राउंड पे तो कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं जो है 64 हलकों में जाके आ गया, 63 हलकों में जाके आ गया, तो ठीक है, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है भ्रमण किया है, जश्न किया है, और अब तक जश्न चल ही रहे हैं। अभी एक साल का जश्न भी धर्मशाला में मनाया, लेकिन सरकारी मशीनरी के सिर पे ये उन्होंने ये जश्न मनाया है। अराजकता फैली हुई है, मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। एक साल पूरा होने पे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं मंत्रिमंडल में फेरबदल करूंगा, मंत्री बदलूंगा, तो इसका मतलब है कि उनको मालूम पड़ गया कि उनकी सरकार ठीक नहीं चल रही है। और इसी ढंग से अभी इंडिया टुडे का सर्वे आया है, टूरिज्म इन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, तो टूरिज्म में पिछले साल कांग्रेस केस में हम दूसरे नंबर पर थे, इस दफा हम 20वें नंबर थे, जो इनकी सबसे प्रायोरिटी का सब्जेक्ट है उसमें 20वें पायदान पे पहुंच गए। तो सरकार जो है प्रायोरिटी तय नहीं कर पाई, काम शुरू नहीं कर पाए, ना दिल्ली से कुछ लाभ आए हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार की केवल मात्र कागजी घोषणाएं रही हैं और 30 घोषणाएं की थी जिन्हें पूरा नहीं किया गया है। छोटी छोटी घोषणाओं में स्कूल के बच्चों को एक दिन बैग फ्री करना था, लेकिन ये भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इस बार लोकसभा चुनावों में हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को जाना है, तो केंद्र से मोदी सरकार की भी छुट्टी तय है। आप बताएं कि उन्होंने 30 घोषणाएं की थी, 30 योजनाएं दी थी, और ऐसी छोटी छोटी घोषणाएं भी उन्होंने पूरी नहीं की जो कि जिन पे ना हिंग लगती थी ना फटकरी। जैसे था कि स्कूल के बच्चों को एक दिन बैग लेके नहीं जाना है, सरकार ये भी नहीं कर सकी कि स्कूल के बच्चे बैग लेके नहीं जाएंगे, या ये लिखा था एक दिन पुस्तक दिवस मनाया जाएगा, योजना थी उनकी एक, तो आप बताएं कि कौन सा दिन हुआ जिस दिन पुस्तक दिवस हुआ। उल्टा जो है पूरे साल के दौरान स्कूल के बच्चों को वर्दी नहीं मिली, ना वर्दी मिली, ना बैग मिला, ना लैपटॉप मिला, ना पानी की बॉटल मिली, तो इस ढंग से पूरी अव्यवस्था फैली हुई है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी धर्मशाला में कह के कि 9000 करोड़ के नेशनल हाईवे का जो है हमने दे दिया, आप बताएं कहाँ है पैसा, 9000 करोड़ कहाँ है। आप जो है हवा में तीर चला रहे हैं। प्रदेश ने एक साल के दौरान 3500 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। अगर कर्जा लिया है तो मुख्यमंत्री कहते हैं हम 9000 करोड़ की योजनाएं दिल्ली से लेके आए, अगर योजनाएं आई हैं तो आपने कर्जा क्यों लिया। तो ये सब जब हवा हवाई बातें हैं ऐसे माहौल में, जबकि दिल्ली की सरकार पूरी तरह अलोकप्रिय हो गई है, मोदी जी की सरकार, मोदी जी को जाना है और साथ में हमीरपुर के सांसद को भी जाना है।